कलायत विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा कार्यकाल ईमानदारी का ढोल पीट कर काटा गया है। ऐसे में प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले हुए। हरियाणा के रण में प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क कर वोट की अपील कर रहे हैं। कलायत विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं है, भाजपा द्वारा जनता से किए गए झूठे वादों की पोल खुल गई है। जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी ने समाज में नफरत फैलाई और आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम किया। हरियाणा की जनता के सामने अब तस्वीर पूरी तरह साफ है, बीजेपी नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। हरियाणा की जनता इस बार बीजेपी का सफाया करने का मन बना चुकी है। तो बीजेपी ने तो अपने नेता जनता के सामने बचाए हैं, एक बार थोड़े बचाए हैं। अब देखिए, रोडवेज घोटाला में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम आ गया था, चीफ मिनिस्टर का नाम आ गया था, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बचाया। आपका मीटर घोटाले में बिजली वालों का नाम आ गया था, कितना बड़ा मीटर घोटाला है। आपका देखिए, वजी जो स्कॉलरशिप का जो घोटाला था, शेड्यूल कास्ट का स्कॉलरशिप में 800 करोड़ रुपए का घोटाला था, कितने अभिमन्यु को इन्होंने बचाया। यानी कि इन्होंने हमेशा ही जब करप्शन की बात आती है तो अपने मंत्रियों को बचाती नहीं, उन्होंने अपने मंत्रियों को लूट की छूट दी थी और एक लोगों को भ्रमित किया गया था। अभी मनोहर लाल ईमानदार है, मैं कहता हूँ कि मनोहर लाल अगर ईमानदार है, मुझे एक बात का जवाब दे दो, जो पीछे भर्ती हुई है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, जिसके पेपर लीक हो गया, हरियाणा बनने के बाद पंडित भगवतदार से लेकर के आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने आज तक किसी ने भी पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द होता है, इन्होंने इंटरव्यू लेकर के सबको ज्वाइन करा दिया, 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने कहा है कलायत इलाके के लोगों में कांग्रेस के प्रति काफी जोश है, उत्साह है और 19 अक्टूबर को कलायत विधानसभा इलाके में एक विशाल रोड शो निकाला जाएगा। लोगों का मानना है कि यह रोड शो कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश की होने वाली भारी जीत का प्रमाण होगा। बहरहाल इंतजार 21 और 24 अक्टूबर का है, जब नतीजे सामने आएंगे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे अपना नेता चुना है। कलायत से टोटल न्यूज के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।